हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम हेयर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके बाल सिल्की और शाइनी हमेशा बने रहें, बट कभी कभी गलत खान पान, धूल मिट्टी, पोल्यूशन की वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ग्रे हो जाते हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं, बट हम कुछ नहीं कर पाते और हम बस यही सोचते रहते कि काश कि हमारे बाल इतने काले होते कि हमें कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बाल हमारे हमेशा नेचुरल सिल्की और शाइनी बने रहते। तो बट आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो खास आपके बालों के लिए है। इसके यूज़ से आपके बाल बिल्कुल शाइनी, चमकदार और काले हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसके लिए कुछ पानी बनाना है। आपके बालों की ग्रोथ और कालेपन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ हमें दो इंग्रेडिएंट और भी चाहिए जो हमारी बाल की ग्रोथ और ब्लैकनेस को बढ़ाएंगे। तो पहला है हिना, सेकंड हमें चाहिए नील पत्ती या इंडिगो का पाउडर। ये सबसे पहले बनाना स्टार्ट करते हैं पानी। तो इसके लिए हमें जो नॉर्मल चाय पत्ती है जिसकी चाय बनाते हैं, तो दो चम्मच हमको चाय की पत्ती चाहिए। तो चाय पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बालों की ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद। सेकंड इंग्रेडिएंट हमें चाहिए कॉफ़ी पाउडर। तो कॉफ़ी हमारे बालों में नेचुरल कलर लाता है और बालों को डिटॉक्स करता है, तो दो चम्मच हमें चाहिए कॉफ़ी पाउडर। अब हमें करना क्या है कि दोनों को एक गिलास पानी में हमें बॉयल करने के लिए रख देना है। 5 मिनट तक हमें इसे बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद हम इसे गैस पर से उतार लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा टेक्सचर आ गया होगा हमारे बालों के लिए और सारी प्रॉपर्टी इसे आ गई। इसके बाद हम इसे स्ट्रेनर की सहायता से छान लेंगे। छान लेने के बाद हम इसे थोड़ी देर रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और जो उसका कलर है प्रॉपर तरीके से इसमें आ जाए। तो ये ठंडा हो गया है। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं रेमेडी। तो सबसे पहले हमें चाहिए हिना। हिना हमारी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है और हिना के यूज़ से हमारे बाल कंडीशनिंग होते हैं, बालों में चमक आती है। तो करीब हमें 4 स्पून हिना चाहिए अपनी रेमेडी बनाने के लिए। इतनी मात्रा पर्याप्त है एक प्रॉपर लेंथ के लिए। अगर आपकी ज़्यादा है तो उसे आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद जो हमने चाय पत्ती और कॉफ़ी का पानी तैयार किया है, तो सबसे पहले हम हिना को घोल लेंगे, यानी कि उसे मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और इसका एक थिक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इस पेस्ट को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसे आप 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और ढक करके रख दीजिए। इससे हिना के सारे गुण और चाय पत्ती और कॉफ़ी के पानी के गुण इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिगो पाउडर को लेना है। तो जितना हमने हिना को लिया था उतना ही हमें इंडिगो पाउडर लेना है, यानी कि 4 चम्मच। इतना आपकी बालों की लेंथ के लिए पर्याप्त है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। तो जो हमने पानी तैयार किया था बचा हुआ, तो बाकी बचा हुआ पानी हम इंडिगो पाउडर में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए एक थिक पेस्ट बना लेंगे, ताकि ये हमारे बालों में लगाने के लिए काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाए और ये रेमेडी आपके बालों में बहुत ज़्यादा शाइन लाने वाली है, चमक लाने वाली, बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगी और ग्रे बाल आपके फर्स्ट यूज से काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद हमें थोड़ी देर छोड़ देना है। जितनी देर हमने हिना को छोड़ा है उतनी देर हमें जो इंडिगो पाउडर का पेस्ट है उसे भी ढाँक कर रख देना है, ताकि इसमें भी सारी प्रॉपर्टी अच्छे से आ जाए। जब आप 1 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे तो उसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हिना पाउडर और जो हमने इंडिगो पाउडर का पेस्ट तैयार किया था उन दोनों को हमें एक ही बाउल में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद दोनों को अच्छे से मिला लेना है और अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। इसे आपको अपने पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से 5 से 6 घंटे के लिए लगाकर ऐसे ही छोड़ देना है। ये रेमेडी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है। इससे आपके बाल काले हो जाएंगे।
ग्रे हेयर की प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके बाल फर्स्ट बार में काले नहीं होते तो वो कुछ इस तरीके से कॉपर दिखेंगे और धीरे धीरे 2 से 3 बार के इस्तेमाल से आपके बालों का कलर चेंज हो जाएगा और वो धीरे धीरे बिल्कुल काले हो जाएंगे, उनमें शाइन आ जाएगी, चमक आ जाएगी। 5 से 6 घंटे बाद आपको अपने बालों को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। उस दिन आपको अपने बालों में शैम्पू नहीं करना है, शैम्पू आप नेक्स्ट डे कर सकते हैं। इसे अगर आप महीने में यानी कि मंथ में 4 बार लगा लेते हैं, आपके बालों की ग्रे प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और आपके बाल सिल्की, शाइनी, चमकदार और काले। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके काम की होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो मेरे चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।